नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की आज रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये दोनों ही कोरोना के मरीज नादेड़ साहब से लौटे थे। इन्हें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। राहत की बात है कि आज दोनों मरीजों की नागरिक अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। दोनों ही अब 14 दिन के होम क्वारंटाइन पर रहेंगे। उपायुक्त रमेश चंद्र मिडाल ने बताया है कि CMO डॉक्टर सुरेंद्र नैन सहित अस्पताल के स्टाफ सदस्यों ने दोनों को ठीक बताया है और इनका तालियां बजाकर स्वागत भी किया। दोनों को ही तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एम्बुलेंस में बैठा करके घर भेजा। सिरसा में अब तक कुल 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इनमें से 6 उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 4 पहले ही घर पर ठीक होकर जा चुके हैं और आज 2 मरीज, जिन पर एक महिला और एक पुरुष, जो कि डिस्चार्ज होने के बाद होम क्वारंटाइन पर रखे गए हैं। एक मरीज अभी भी सिरसा के नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन है। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष। सिरसा के अंदर कुल 7 केस कोरोना पॉजिटिव के आए थे, जिसमें से 6 नेगेटिव होकर यानी कि पूर्ण तरह ठीक होकर अपने घरों पर जा चुके हैं। अभी एक बाकी है, उसकी भी पूर्ण उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है, वो है सामाजिक दूरी बनाकर रखना। यानी कि आप एक दूसरे से कम 6 फीट दूर रहे, बाजार में भी चले तो 6 फीट दूर रह कर चले, कहीं भीड़ में जाएं, जहाँ लोग इकट्ठे हों, भीड़ तो लगानी ही नहीं है, तो उससे भी 2 गज की दूरी यानी 6 फीट की दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें और जहाँ पर भी उसके सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। अगर सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं हो तो साबुन से हाथ धो लें। अगर आप डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। हाँ, 2 मरीज आज ठीक होकर अपने घर जाएंगे। नई पॉलिसी के मुताबिक एक रिपोर्ट नेगेटिव आने के उपरांत उसको हम क्वारंटाइन 14 दिन के लिए करेंगे और 14 दिन के भीतर कोई दिक्कत आती है तो उसकी हम पुनः जांच भी करेंगे। और आज 2 मरीज ठीक होकर के जा रहे हैं। सबसे खुशी की बात है कि कुल हमारे 7 मरीज सिरसा में आए थे, उनमें से 6 आज ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं और 1 मरीज बचेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार अपील भी करता रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, ये प्रक्रिया सतत जारी रहनी चाहिए और लोग अपने आप को खुद बचाएं और कोई बाहर से ट्रैवलर आता है तो खुद आकर के सूचित करें। सर, जो सिरसा का एक्टिव केस अब बचा है, इससे संबंधित कितने लोगों के सैंपल लिए गए और उनकी क्या रिपोर्ट? इसके मुतल्लिक जो 75 लोगों के उनके कॉन्टैक्ट लिए गए, सभी नेगेटिव आए हैं।